जहां मैं सफर मेरी अप्सरा हो तू या कोई परी तारी Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. This is me नेहा राजपूत. यार आज मैं नया एक ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ. जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा भाई, आप लोग मेरे से ज़्यादा तेज़ हो. तो वैसे तेज़ होना चाहिए भाई, आप सब्सक्राइबर्स किसके हो, मेरे हो ना, तो भाई तेज़ तो होना बनता है आप लोगों का. हाय वानिया, माशाल्लाह कितनी क्यूट पॉज लग रही है. माशाल्लाह माशाल्लाह, चीखे नहीं इसकी रुकती. एक जिन्ना बच्चों को प्यार करोगे ना, उन्ना ही चीख देने. जो बात सही है वो तो सही है ना, जो बात सच है सच है. तो बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइटल बताया था कि टाइटल ये है कि कुछ हमारे लाहौर से मेहमान आए हुए हैं. तो यार हमारे लालिया में है क्या एक सिवाय पार्क के? तो हमारी जो मशहूर तरीन पार्क है तो हमने उधर ही जाना है इनको लेके. तो और 6 hours later 6 घंटे पार्क में पहुंचने के बाद होता ये कि यहाँ पे इनकी शूटिंग होती है. क्योंकि बच्चों ने आज पहने थे 14 अगस्त के ड्रेस, ठीक है ना, मतलब पूरे 14 अगस्त के बच्चों ने पहने हुए थे. मैंने कहा था कि मैं आज का व्लॉग बहुत लेट मैंने अपलोड किया, अदरवाइज इसका फिर मैंने मतलब कि टाइटल ही चेंज कर दिया. तो माशाल्लाह से वानिया इतनी प्यारी लग रही थी, एटलीस्ट ने ग्रीन और वाइट का कंट्रास्ट किया, तो माशाल्लाह से हमारा कलर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा प्यारा है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे लालिया में सिर्फ एक ही हमारी खासियत है कि एक जगह हमारा मशहूर पार्क है जिसको इकबाल पार्क के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये भी अब शहर बन चुका है. तो इसलिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम अपने मेहमान को, अपने गेस्ट को सिर्फ यहीं पे लेके आते, क्योंकि यहाँ पर कोई मीनार पाकिस्तानी चिड़ियाघर तो है नहीं जहाँ पर हमने इनको लेके जा. तो यहाँ पे माशाल्लाह पूरे बच्चों की टीम आई हुई थी जो कि बाजे बजा रही थी, और कसम से मेरे कान थक गए थे कि क्या ये मुसीबत है. हालांकि भैया आप लोग मनाओ जिस तरह चौदह किसी बाजों वाला रिवाज किसी, क्योंकि आजकल 14 अगस्त का दिन नहीं कहना चाहिए था, इसको बाजा डे कहना चाहिए था, क्योंकि हर बच्चे ने पाँ पाँ की हुई थी. जरा सुनाती हूँ, आप लोग भी कान खुलते हैं जरा. माशाल्लाह से बच्चे जैसे भी हों क्यूट तो होते हैं, और ये बच्चा देखो कितना प्यारा लग रहा है. मैं कहती जो बाजे आज बजा रहे थे ना, मेरा दिल कर मेरा आज बाजे बजाना, इतना कोई इन्होंने आज तंग किया था. ये बाजा डे कह दो क्या था क्या नहीं. और आप लोगों को पता जो कि हमारे गेस्ट आए थे उनको हमने लेके कहा ना था एक पार्क में लेकर आना था, जो कि आपको पता यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था और इन्होंने जगह भी यहाँ पर मिली हुई थी. और ये देखो ये हमारे लोरियाँ आए हुए हैं अपनी मगन में झूम रहे हैं. क्या इनको पता है कि हमारा लालिया में शहर बन गया हुआ है. बस ये बात अलग है कि यहाँ पे जू नहीं है, मीनार पाकिस्तान नहीं है, और यहाँ पे मीन्स की इस तरह की चीज़ें नहीं, लेकिन हमारा लालिया एक बाल पार्क ज़रूर है. आप लोगों को सुबह के टाइम पार्क की सारा दिखाती हूँ कि यार कितना प्यारा मंजर है, कितना प्यारा सीन है. मतलब कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोग आते हैं. बच्चे आज तैयार होने थे, बच्चों ने आज बड़ा तैयार शहर होना था, और मैंने आज क्या पहना था, हमारा दरअसल खान साहब थोड़े से कैद शायद हुए हुए हैं, तो इसलिए हमने ग्रीन श्रीन नहीं पहना, हमने ब्लैक पहना था. क्योंकि हमें ग्रीन कैसी आज़ादी मनाई यार, जिसके लिए हमने आज़ादी मनाई थी वो तो अंदर है. वजह से बच्चों की तो आज आज़ादी थी, लेकिन मैंने आज़ादी इसलिए नहीं मनाई थी क्योंकि यार मेरा खान साहब आज कैद थे. तो इसलिए आप लोग किसको वोट करते हो भाई, मैं तो खान साहब कितनी फ़ैन हूँ ना कि अगर मुझे अपने आप ही बेचना पड़ा मैं तो बेच दूँगी. लेकिन साढ़े खान साहब के बारे में किसी ने कोई गल की ना, तो फिर वो नहीं बुरा होएगा. बाकी जिन्होंने जो भी कहना था, बाकी मैं आप लोगों को सारा विजिट करती हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिहाज तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरा दिन ही अच्छा नहीं था, क्योंकि सब अपनी आज़ादी का दिन मना रहे थे. मुझे ये लोगों की समझ नहीं आती कि आज़ादी कैसे मना रहे हैं, चूँकि इंसाफ करने वाले लोग तो हमारे अंदर कैद है ना, तो ये आज़ादी कैसे मना सकते हैं. पता नहीं लोग कैसे हैं, इनके भी दो दो चेहरे हैं हर किसी के. बहरहाल मैं इस किस्से को ही नहीं छेड़ती, इस टॉपिक को ही नहीं छेड़ती भाई, आप लोगों का मूड क्यों ख़राब करूँ. वो बात हो जानी कि आज मेरा मूड ख़राब है तो मैं सबको कर देती हूँ. नहीं नहीं भाई, आप लोगों का मूड आज खराब, क्योंकि हर तरफ ग्रीन है. आप लोग भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन आज़ादी का है. यही नहीं कि हम 14 अगस्त को आज़ादी मनाएं, हमारे लिए हर दिन आज़ादी का है, हमें हर दिन मनानी चाहिए. बल्कि इसको हम ये नहीं कहेंगे आज़ादी दिन, इसको हम बाजा डे कहते हैं, क्योंकि आज के दिन उन्होंने बहुत बच्चों ने हमें जलील किया. और की मैं कड़ा झूठ बोल रही, बाकी बहुत जलील किया.
कुछ घड़ियों बाद मुझे मोहित ने दिखाया मेरा बचपन। यार मुझे मोहित ने दिखाया किस तरह तुम साइकिल पे जाती थी मेरे पीछे बैठ के, बारह उसने झूठ चवल मारी थी क्योंकि मैं साइकिल चलाती थी वही पीछे बैठता होगा, ये उसकी चवलें हैं, मैं तो जिधर बता रही हूँ मोहित। ऐसा कोई सीन नहीं था, मेरा पास्ट ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें मुझे बहुत जलील करता है। ये देखो लोगों ने झंडे झंडे लगाए हुए हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मैनी मैनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लोगों ने, देखो मोटरसाइकिल। लेकिन यही देखना इसी अगले दिन 15 अगस्त को क्या होना है, यही झंडे हमारे पैरों के नीचे आने हैं, रुलने हैं पैर थले साडे। फिर इन पाकिस्तानी की मोहब्बत कहाँ जाती। बहरहाल मैं क्या क्या कहूँ आप लोगों को भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा समझ। ओ हमारा चाचा आ गया है, चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी नाराज हैं शायद आज। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाचा के बगैर मेरी वीडियो नहीं गुजरती है, चाचा हमारा वीडियो का ट्रेंडिंग है। जिस तरह लोगों के बड़े बड़े ट्रेंड बनते हैं, लेकिन हमारी वीडियो का ट्रेंड चाचा ही और चाचा ही रहेगा। अभी उसकी चाची आ जाए उसको भी हम ट्रेंड बना लेंगे, लेकिन चाचा चाचा ही है। A few moments later. फिर हमारा एक गुजारा हुआ गाँव से, और पता है जब शहरी लोग कहीं गुजरते हैं ना इस तरह चीज़ों से, तो इन्होंने हालत रड़ा डाली क्योंकि इन्होंने कभी ये चीज़ें नहीं देखी होती। ए गोबर देखे एंज कमले हुए ने, पता नहीं की शह आ गई है। इन्होंने अंदर फोटो शूट शुरू करते हैं, हम जाते हैं ना कहीं भी हम फोटो शूट अच्छी चीज़ों करते हैं, और इन्होंने गोबर का फोटो शूट करना शुरू कर। यार तानू ना हिस्ट्री की दसा, कोई हाल नहीं था इनका, जो मैंने इनका हाल देखा इनको इनकी शूटिंग फुल देखे ना और इनकी स्ट्रीक्स देखे, मैं तो यहाँ से भाग नहीं हूँ इनको लेके आया, मैं कोई होर हवा तला चलाना प्याज वे पुत टू इथो निकल। तो फिर हम यहाँ से निकले फटाफट, बाय बाय। भाई आज तो मेरी हो चुकी थी बस, और यकीन मानो आज का दिन मेरा इतना मजा गुजरा है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह के मजे मजे की व्लॉग लेके आती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि मैं रिप्लाई कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you. Leave a comment below.